सैमसंग वॉशिंग मशीन में यदि ये वाली पीसीबी रहती है तो अक्सर करके इसका एसएमपीएस ख़राब हो जाता है। तो एसएमपीएस जब भी ख़राब हो जाएगा तो एसएमडी है, इसको रिपेयर करना ना के बराबर हो जाता है, तो आप कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये आईसी नहीं मिलेगी और इतने छोटे छोटे पार्ट हैं कि संभव नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि इसे जो है ट्रांसफार्मर इसमें लगा दिया जाए, या 12 वोल्ट की सप्लाई अलग से आपके पास है तो यहाँ पे बिठा सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है चॉपर इसका उसको खींच के बाहर कर दिया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और इसकी एक तरफ इधर जो सेकेंडरी वाली जो रहती है, इस तरफ जो जाने वाली सप्लाई है यानी जो हमारा इस्तेमाल के लिए बनती है, जो डीसी बनती है जिससे डीसी 12 वोल्ट बनता है, तो वो वाले को उसी दोनों पॉइंट पे हमने ये वाले और इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे दो वायर निकाल दिए। अब इसमें मैं एक अलग से वॉशिंग मशीन की छोटी वाली पीसीबी से निकाल लिया ट्रांसफार्मर, तो ये 12 वोल्ट या 13 वोल्ट के करीब रहता है। तो ये हमारा एसी वाली सप्लाई है, तो एसी का हम एक बार वापस कटिंग करना पड़ेगा। मैं कटिंग करते समय ध्यान नहीं दिया, नहीं तो पूरा कट कर दिया होता तो हो जाता। तो यहाँ से कट करूँगा और उसमें जो पॉइंट मिलेगी तो यहाँ से, या फिर मैं इस पे से भी जॉइंट कर सकता हूँ, ये जो एम ओ बी रहती है तो एम ओ बी के दोनों पॉइंट पे भी कनेक्ट कर सकते हैं इस वायर को, यानी 230 सप्लाई देने के लिए, क्योंकि एम ओ बी जो है डायरेक्ट इसी वाली लाइन से कनेक्ट रहती है। ये तीसरी तो इससे निकलती है जो रिले से ऑन होने के बाद जो सप्लाई कामन जाती है वो रहती है, लेकिन ये वाली और ये वाली इससे टच रहती है एम ओ बी से। तो एम ओ बी के दोनों पॉइंट पे हम 230 को कनेक्ट कर देते हैं और ये 12 वोल्ट की यानी 13 वोल्ट जो भी एसी निकलती है इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे, तो इसका जो डीसी बनाने के लिए जो भी रेक्टिफायर और डायोड वगैरह जो भी हैं वो आगे काम करेंगे, हमारे एसएमपीएस यहाँ से निकल जाएगा और उसके बदले में ट्रांसफार्मर उसकी जगह ले लेगा। तो ये इतनी छोटा है इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखिए ये आसानी से बैठ भी गया और इतने में हो भी जाएगा। तो चलिए मैं इसको सेट करता हूँ और कहाँ कहाँ पे कनेक्शन करूँगा उसको भी मैं दिखा देता हूँ, वीडियो छोटी ही रहेगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा कटिंग और बढ़ा दिया और ये जो हमारा डीसी एसी फिल्टर है ये इसी वाले पॉइंट पे यानी हम ये इस वाले और इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं और यहीं पास में होल भी है, तो इसी होल से हम वायर ऊपर ले लेंगे और यहाँ पर हमारा आसानी से बैठ जाएगा, ज़्यादा हमें कटिंग वटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कटिंग करना है पीछे ही हो गया। तो यहाँ पे और यहाँ पे एसी हमें मिल जाएगी, इस पर लाइन मिलेगी, इस पर न्यूट्रल मिले, या इधर इस पर लाइन मिले, इस पर न्यूट्रल मिले, दो ही चीज़ होगा ना। तो ये मैं कनेक्ट करता हूँ इस पर, तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट भी कर दिया और पावर भी लगा दिया हूँ, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे आप देखिए। और इसमें प्रेशर सेंसर नहीं लगा है तो ये वाला भी कनेक्शन नहीं है, तो इसमें ये इशू आएगा। तो चलिए इसको भी मैं दिखाता हूँ कि कैसे मैं करता हूँ। तो यहाँ पे जो मैं ये इसमें लगा रहा हूँ तो ये मत समझिएगा कि कोई अलग से मैं इसका बनाया हूँ। यहाँ पे देखिए 13 बटन की जो आती है अपनी बबल वाली, क्या बोलते हैं उसको, तो नाम नहीं जानते हैं पीसीबी को, ये वाली ठीक है, इसकी वाली जो प्रेशर सेंसर की है वायरिंग, तो इसमें आप देखिए ये तो ओल्ड मॉडल की है, ठीक है, ये ओल्ड मॉडल की है यानी जो एजी प्लस होती है उसकी, और ये है इसकी। तो इसमें हम लगाए तो आसानी से लग गया, ठीक है, ऐसे लगाते हैं तो लग जाता है, लेकिन अगर इसकी इसको ही मैं इसमें इस्तेमाल करता हूँ इस वाले में वो आसानी से इसमें आसानी से हो जाता है। तो करेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए तो इसमें ज़्यादा पिन है, मतलब गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 पिन है और इसमें देखेंगे तो कम है, ठीक है, इसमें कम है, एक पिन कम है, ये 7 है, ये 6 है,
तो इसको क्या करेंगे, जब इसको लगाएंगे तो इस तरफ ना जा करके इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा इधर आएंगे, एक वाली पिन इसको छोड़ देंगे, तो ऐसे लगा देंगे इसको। तो मैं इस पर बना के रखा हूँ कि अगर मैं नहीं हूँ तो कोई और भी अगर करने वाला है तो इस तरफ करके लगा देने से। अभी मैं इसको चालू करता हूँ, प्रोग्राम भी कर लेते हैं इसका, देखते हैं कि चलता है नहीं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, तो मोटर देख रहे हैं कि रिवर्स फॉरवर्ड चलने लगी और ये भी परफेक्ट बैठ गया है अपने जगह पे। मेरे समझ से तो कोई ज़्यादा हाइट नहीं है, इतना आसानी से बैठ जाना चाहिए। तो अभी प्रेशर सेंसर के लिए हम प्रेशर थोड़ा कर लेते हैं, हवा भर देते हैं। बंद हो गया, अभी वास में चलना चाहिए। अगर सब भरा तो वास होने लगा भी, तो चलिए ऐसा भी कभी कभी कर लेना चाहिए। और बेसिक की वीडियो आपको अब मिलनी शुरू रहेगी, ठीक है।